हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आज मैं आपको बताऊंगा कि गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। जो स्टूडेंट डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी में अभी जिसने एडमिशन किया हो वो रेगुलर सब गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि अगर आप गेट एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे तो आपका बी सेकेंड ईयर के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ही बेस पे आपका गेट का पेपर होता है। अगर आप पढ़ते पढ़ते समय गेट एग्ज़ाम के लिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के नोट्स अगर बनाएंगे तो आपको फाइनल ईयर में जब आप गेट एग्ज़ाम देंगे तो आपको गेट एग्ज़ाम देने के एग्ज़ाम के लिए कोई ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा आपको कोई बर्डन या टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप रेगुलर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में नोट्स बनाते रहेंगे तो वही नोट्स आपको एग्ज़ाम के लिए फाइनल ईयर में गेट एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। अगर आप ये करते हो तो आपको आपके गेट स्कोर का जो कट ऑफ मार्क है 20, 21, 25 जो भी जितना भी उतने मार्क आप आराम से बिना ट्यूशन के आप ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट गेट एग्ज़ाम देने की तैयारी फाइनल ईयर में जब आते हैं या फिर थर्ड ईयर में जब होते हैं तब स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये सबसे सजेशन है कि अगर आप सेकेंड ईयर में रहते ही तभी से अगर आप अपने प्लानिंग के साथ अगर आप गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहेंगे तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्लानिंग ही सब कुछ गेट एग्ज़ाम के लिए है। गेट एग्ज़ाम में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये 8 सब्जेक्ट देखेंगे तो वो आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही है, और वो आपको जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी वो पढ़े होते हैं, उनको सिर्फ उस सब्जेक्ट के रिविज़न के लिए देरी होती है। अगर हम उस सब्जेक्ट की रिवीजन कर लें तो हमें ना किसी ट्यूशन की और ना ही किसी एक्स्ट्रा हार्डवर्क की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपना जो रेगुलर पढ़ाई का शेड्यूल है वो जारी रखना है। अभी सभी पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो सब ऑनलाइन चल रहा है, तो हम सब ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकते हैं। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप अपने दोस्त, टीचर्स या फिर गूगल पे जाके कुछ उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक अवसर है जो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप जितना भी चाहे उतना आप यहाँ से अपना टाइम लेके अपने गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गेट एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होता है, कुछ ऐसे निगेटिव मार्किंग नहीं होते, जो न्यूमेरिकल बेस्ड आंसर टाइप होते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मैं सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जो भी क्वेश्चन पढ़े या सॉल्व करें गेट एग्ज़ाम में, अगर आप उसमें 100% हो उस आंसर पे, तभी ही उस आंसर को राइट क्लिक करके आंसर सबमिट कीजिए। अगर नहीं आता है तो मत दीजिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। अगर निगेटिव मार्किंग होगी जो आपके सही क्वेश्चन रहेंगे वो आपके गलत क्वेश्चन की वजह से आपके वो जो सही मार्क है, जो सही आंसर दिए हुए थे वो भी आपको गलत हो जाएंगे और निगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएंगी। इसलिए आप 100 में से अगर 5 भी क्वेश्चन अगर पेपर में एग्ज़ाम टाइम में अगर क्लिक करके आते हैं, सबमिट करके आते हैं, फिर भी आपका अच्छा स्कोर आ सकता है, प्लस स्कोर में आ सकता है, ना ही कि आपका माइनस में। सब फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपने 100 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क आपने एप्टीट्यूड के छोड़ा है, इंग्लिश के 2 मार्क, 2 क्वेश्चन, या फिर जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट अगर होंगे, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 4 सब्जेक्ट के
आपने किए होंगे जो कि आपके फेवरेट है, उस सब्जेक्ट के दो दो क्वेश्चन अगर भी आपके पेपर में आए, एग्जाम गेट एग्जाम में अगर आ गए हैं, तो आपके वो चार सब्जेक्ट के दो दो मार्क मिला के, दो दो मार्क मिला के, ए या एक एक मार्क मिला के 8 मार्क हो जाते हैं, और बाकी सब इंग्लिश के 2 मार्क हो जाते हैं, एप्टीट्यूड के 2 मार्क हो जाते हैं, ऐसे मिला के 12 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ये 10 या 12 क्वेश्चन। अगर आप 1 मार्क के क्वेश्चन उड़ेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर 2 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो 2 मार्क मिलेगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ही 10 या 12 मार्क आपको ऐसे ही आते हैं। अगर आपका कोई भी जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं रेगुलर में, रेगुलर जो पढ़ाई करते हैं पूरे सब्जेक्ट 8 के 8 पढ़ाई सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है लिमिटेड को सब्जेक्ट चुनते हैं, यानी कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट चुनते हैं और उसी सब्जेक्ट का वो अपना पढ़ाई चालू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, अगर आप 4 सब्जेक्ट भी चुनते हैं फिर भी आपका स्कोर कट ऑफ के लिए आता है, कट ऑफ जितने मार्क्स आपको मिल जाते हैं। कोई ज़्यादा टेंशन वाली या बर्डन वाली नहीं है, बस आपको प्लानिंग के साथ करना होगा, और वही 4 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपको गेट एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क जितने ही मार्क के ऊपर आपको मार्क मिलेंगे, और इतने मार्क आपको अच्छे कॉलेज के लिए अच्छा परसेंट हो जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ अच्छी PSU में ला लेना होगा, PSU के लिए रिक्रूटमेंट हो चाहिए होगा, तो आपको 50 के ऊपर मार्क्स लेने होंगे, तो इसके लिए आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स जो रेगुलर स्टडी होते हैं, रेगुलर बच्चे रेगुलर करते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। इन सभी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हो, अगर सभी सब्जेक्ट करते हो, तो आपको 50 मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स आराम से, जो रेगुलर डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है अगर वो करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, और आपका जैसे ही आपके कॉलेज में गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कैंपस के लिए में, साथ ही साथ में आपको PSU भी गेट एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट लग जाने के बाद आपको PSU की भी ऑफर आ जाएंगे। तो PSU भी मिल जाएंगे और आपको आपका जॉब मिलेगी। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ कि सभी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए और गेट एग्ज़ाम दीजिए सभी स्टूडेंट। एक भी बच्चा अगर स्टूडेंट नहीं देगा तो आपको पछताना से अच्छा आप एक बार तो गेट एग्ज़ाम दे ही दीजिए। अधिक अगर अब ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा, आपको और जानकारी दूँगा इसके रिगार्डिंग गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के, क्योंकि मैं खुद भी एक गेट एक्सपीरियंस हूँ, मैंने भी दिया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस ही मैंने आपको बताया है, तो मैं और जानकारी देने के लिए और वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।